सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था बीकॉम को लेके, और उस पर मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि मैं आप लोगों को अपना बुक शेल्फ जो है उसका एक वीडियो बनाऊंगी, छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज का ये वीडियो पर्टिकुलरली वो लोगों के लिए है जो सीए इंटर की एडमिशन्स लेंगे या उसके रिलेटेड जो आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बुक्स के रिलेटेड, तो वो सब कुछ आपको आज के ये वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और होप आप लोगों के लिए आज का वीडियो ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने किस तरह से मेरे बुक्स ऑर्गेनाइज किए हैं और सीए इंटर के कितने बुक्स आते हैं, क्या है कंप्लीट बुक्स की इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिलेगी। चलिए गाइस, आप लोग जानते हो सीए इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो या दोनों ग्रुप। बट मैं अभी फिलहाल ये वीडियो में आपको दोनों ग्रुप्स के बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वन नंबर, थ्री नंबर, फाइव नंबर ये जो लिखा हुआ है ये पेपर्स के अकॉर्डिंग है। सो ग्रुप वन में फोर पेपर्स होते हैं, ग्रुप टू में भी फोर पेपर्स होते हैं, टोटल एट पेपर्स होते हैं। और ये जो आप ऊपर के दोनों शेल्फ में देख रहे हो ये आईसीआई के मॉड्यूल्स हैं, और इसी का जेरोक्स कॉपी यहाँ पे मेरे क्लास के बुक्स है, क्लास के मॉड्यूल्स है। तो चलिए मैं आपको पेपर वाइज सब बताती हूँ। जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो होता है अकाउंट्स का, देखिए पेपर वन अकाउंट्स का होता है, और अकाउंट्स के टोटल तीन मॉड्यूल्स हैं आईसीआई की तरफ से। और अगर आप मेरे क्लास के मॉड्यूल्स देखोगे तो देखिए ये जो है ये अकाउंट्स के मॉड्यूल, टोटल सात अकाउंट्स के बुक्स हैं यहाँ पे। जो पेपर टू होता है वो होता है लॉ का, जो जिसका फुल्ली हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसकी आईसीआई आपको दो मॉड्यूल्स देता है, और मेरे क्लास के कुछ इस तरह से तीन मॉड्यूल्स हैं लॉ के लिए जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जो पेपर थ्री होता है वो होता है कॉस्ट का पेपर, जिसके लिए आईसीआई ने दो मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर मेरे भी तीन मॉड्यूल्स हैं क्लास के हिसाब से। सो अगर टोटल और मुझे ओवरऑल पढ़ना ही है तो इन शॉर्ट मैं आपको कह सकती हूँ कि मुझे पांच बुक्स पढ़ने हैं वो पेपर के लिए। फोर्थ पेपर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है टैक्स का, टैक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पांच मॉड्यूल्स हैं। और मेरे बुक्स में अगर आप देखोगे सो इनकम टैक्स के और जीएसटी दोनों मिला के मेरे भी पाँच से छः मॉड्यूल्स हैं। तो ये जो चार पेपर्स आप लोगों को चार बुक्स बताए हैं, पहला अकाउंट्स का, दूसरा लॉ का, तीसरा कॉस्टिंग का, फोर्थ टैक्स का, और ये चारों सब्जेक्ट्स जो है वो ग्रुप वन में आते हैं। टोटल हर एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं। तो जब आप आईसीआई से इंटर के लिए अगर आप एडमिशन लोगे और बुक्स ऑर्डर करोगे तो आपको ये ऊपर के जो बुक्स मैंने अभी आपको बताया ना वो बुक्स आएंगे, और जहाँ से भी आप क्लास करोगे तो उनके अलग बुक्स आपको आएंगे ही। तो चलिए ये ग्रुप वन के बुक्स थे, अब हम ग्रुप टू के बुक्स देखते हैं। पेपर होता है जो फिफ्थ नंबर का पेपर है वो है एडवांस अकाउंट्स, हालांकि ये ग्रुप टू का फर्स्ट पेपर है बट आप कंटिन्यूएशन में देखोगे तो यहाँ पर एडवांस अकाउंट्स के चार बुक्स हैं। और मैंने जो क्लास से ऑर्डर किया है वहाँ पर मुझे एडवांस अकाउंट्स के तीन बुक्स मिले हैं, तो टोटल एडवांस अकाउंट्स के एट बुक्स हो गए हैं। और सिक्स जो आप देख रहे हो, सिक्स नंबर पेपर देख रहे हो, वो यहाँ पर है ऑडिट का पेपर। तो ऑडिट के लिए तीन बुक्स आईसीआई आपको देता है, और मेरे इसमें ऑडिट के लिए और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग बुक्स हैं यहाँ पे, तो वो चार से पांच बुक्स है। सेवेंथ नंबर का जो पेपर है, जो हमारा सेकंड लास्ट पेपर है, वो होता है ईआईएस और एसएम। इसके आईसीआई आपको दो मॉड्यूल्स देता है, एक ईआईएस के लिए एक एसएम के लिए। और मेरे इसमें अभी यहाँ पर फ़िलहाल कुछ बुक्स पेंडिंग है, आना बाकी है, बट अभी मुझे जितने ईआईएस एसएम के बुक्स मिले हैं, क्वेश्चन बैंक अलग वगैरह वगैरह, वो सब पकड़ के दो चार बुक्स मिले हैं, और दो तीन बुक्स आना और भी बाकी है।
उसके बाद जो हमारा लास्ट पेपर होता है फाइनली सीए इंटर का, वो होता है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको FMECO हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो ICAI उसके आपको तीन बुक्स देता है, दो बुक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, एक बुक होती है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की। सो ऐसे करके लास्ट पेपर के तीन बुक्स हैं। और मेरे जो बुक्स हैं वो अभी फ़िलहाल में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके बुक्स आना बाकी है, लास्ट दो सब्जेक्ट्स के बुक्स मेरे पेंडिंग है, तो वो कुछ हाथ ही बुक्स आए हैं। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये अरेंज किया है, बट सिर्फ अरेंज करना नहीं है, ये सब कुछ पढ़ना भी है। सो गाइस, ये है ICAI के बुक्स, ये है मेरे क्लास के बुक्स। कैसे लगे आप लोगों को ये बुक्स एज ए शोपीस? शोपीस तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बट उतने ही ज़्यादा वास्ट है, उतने ही ज़्यादा भरे पूरे बुक्स है ये। हियर आई एम। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ग्रुप टू के बुक्स। तो ओवरऑल इस तरह से 8 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मिलाकर ICAI के ये दो बंडल्स जितने भरेंगे उतने बुक्स हैं, आप देख सकते हो। और नीचे के मेरे क्लास वाले बुक्स हैं। सो ये सब बुक्स हैं यहाँ पर। कुछ बुक्स आने पेंडिंग है, बट वो मेरी क्लास की तरफ से पेंडिंग है। अगर आप ये इंटर के एडमिशन कर रहे हो और दोनों ग्रुप्स आप अगर अप्लाई कर रहे हो, तो आपके भी घर में इतने ही बुक्स आएंगे। तो चलिए गाइस, आपको मैं एक बुक बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करते हुए कैसे नोट्स बनाती हूँ, किस तरह से मैंने मेरी बुक को डेकोरेट किया हुआ है इनसाइड से, वो एक बुक आपको बताती हूँ। मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे मुझे पॉसिबल होगा मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, कैसे आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। और काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे CA फाउंडेशन को लेकर, कि CA फाउंडेशन के बारे में कुछ बताओ, तो मैं बहुत जल्दी उसका भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ कि कैसे आपने CA फाउंडेशन की पढ़ाई करनी चाहिए। जो लोग अर्जेंटली नवंबर में फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग CA इंटर के स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए, कमिंग ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ, किस तरह से आप लोगों ने नोट्स बनाने चाहिए, उसका भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। और फाउंडेशन रिलेटेड वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, पेपर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, उन सब की रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए कमिंग वीडियोस में लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन सबको भी हेल्पफुल हो, जो भी CA स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि इस तरह से CA कम्युनिटी को मतलब एक हेल्प होगी। सो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मिलती हूँ आप लोगों से नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।